गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत दिन से जो वैकेंसी जो अटकी हुई थी SLPS में, उसका यहाँ पर डेट निकल के आ गया है इंटरव्यू और GT का। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग आज बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आज ही ये नोटिफिकेशन आया है, पेपर कटिंग है आज ही का। इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आपका जाके 18 जनवरी 2022 में जिसका जो है आवश्यक सूचना आया था, जिसका जिसमें कि रिजल्ट दिया गया था सारा चीज़, उसका जो है यहाँ पर डेट निकल कर आ गया है इंटरव्यू का। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ है, पहला जोहार और NRTP, ये प्रोजेक्ट जो है 30 जून 2024 में जो है ख़त्म हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जाके पोस्ट थे, जो भी आपका वैकेंसी था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, उस पोजीशन को कैंसिल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जोहार में इतना सारा पोजीशन था, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक फिशरी, उसी तरह से इधर भी ये पूरा ये जोहार का था। तो जोहार में जितने भी पोजीशन थे उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। इसमें जो भी क्वालिफाई किए थे उसको जो उसका जो है अब इंटरव्यू GD कुछ नहीं होगा, उस वैकेंसी को वहीं तक जो है ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि 30 जून तक ही जोहार प्रोजेक्ट लास्ट है। इस कारण से नया उसमें जो है वैकेंसी नहीं लिया जा रहा है। और NRTP प्रोजेक्ट जो है ये भी 30 जून 2024 में ख़त्म हो रहा है। तो इसका भी जो जो पोस्ट निकाला गया था, जैसे स्टेट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये सारा पोस्ट को जो है ये कैंसिल कर दिया गया है। इन दोनों का जो भी वैकेंसी था वो जो है नहीं होगा, एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इसमें जो है बाकी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो भी इसमें दिखाया गया है कि 192 पद की नियुक्ति जो है उसका जो है आपका जाके इंटरव्यू, GD प्रेजेंटेशन, ये सारा चीज़ जो है किया जाएगा। और इसमें जो है दो नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, जो भी इसका जो आधिकारिक वेबसाइट था पहले, जो हम लोग SLPS का जो एजेंसी था, बहाली का जो रिक्रूटमेंट का जो एजेंसी था, वो सीट्स था। सीट्स के माध्यम से हम लोग अप्लाई किए थे जितना भी कैंडिडेट हैं, और उसमें भी उसी में रिजल्ट आया था। लेकिन अब सीट्स जो है को जो है यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है SLPS के द्वारा। अभी जो है इस वैकेंसी प्रक्रिया को आगे प्रोसेस करने के लिए जो है नए एजेंसी का जो है बहाली किया गया है, सीट्स के बदले में TMN सर्विस। तो इसमें जो है जो सीट्स का काम था वो एग्ज़ाम लेके छोड़ दिए थे, रिजल्ट आ गया था। अब आगे का जो प्रक्रिया होगा वो इसी एजेंसी के थ्रू जो है किया जाएगा। इसमें जो है जो भी आपका जाके ग्रुप डिस्कशन ये सब से रिलेटेड जो भी है, अभी डेट नहीं आया है इसका। डेट से रिलेटेड जो है सभी कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, उसको SMS और ईमेल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है। और इससे रिलेटेड जो भी नोटिस आएगा वो SLPS के आधिकारिक वेबसाइट JSLPS.in पे आएगा, कोई अन्य स्रोत पे जो है इसको नहीं देखना है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि किसी भी दलाल या इसके एजेंट के ये में नहीं पड़ना है, किसी अगर कोई पैसा मांगता है तो नहीं देना है, इसका साफ जो है मना किया गया है JSLPS के द्वारा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और मेल ID भी दिया गया है, इस तरह का कुछ भी अगर है तो इसमें आप लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत खुशी की बात है कि अगला राउंड जो है उसका यहाँ पर डेट निकल गया है। हालांकि कुछ वैकेंसी ज़रूर कैंसिल हुआ है, लेकिन बाकी जो शेष जो है 192 पद, उसमें जो है इंटरव्यू और GD होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और आज कल तक में जो है आपका जाके वेबसाइट में भी आ जाएगा डेट वाइज, कब कहाँ पे किसका इंटरव्यू होगा, क्या होगा, ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो आप लोग चैनल में बने रहें, और नोटिफिकेशन आ गया है तो यहाँ पर इसका GD इंटरव्यू सारा चीज़ होगा। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, इस पर इसका जो है नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता से पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल में बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।